Data houses the ERP software solution. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर जो कि आपके बिजनेस को देते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ। तो इसी कड़ी में हम आज आपको बताने वाले हैं कि स्पीड प्लस 9.0 जो कि नंबर वन ईआरपी सॉल्यूशन है इंडिया का, जिसमें हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में प्रिंट किया जा सकता है और पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर भी उसी भाषा में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उस सॉफ्टवेयर में, स्पीड प्लस 9 सॉफ्टवेयर में, हम कैसे कंपोजिशन, अगर डीलर हैं तो हम किस प्रकार से उसकी सेटिंग करके बिलिंग करेंगे। तो बहुत सिंपल सेटिंग है, बहुत छोटी सी सेटिंग है, वो हमें करनी होती है। तो अगर हम कंपोजिशन डीलर हैं तो उसमें हमारा, जब हम इनवॉइस बनाएंगे तब हमारे टैक्सेस नहीं लगेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम उसमें वर्किंग करना है। तो सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, स्पीड प्लस 9। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से इसका डेमो डाउनलोड किया जाए या इंस्टॉल किया जाए, तो उसकी डेमो लिंक वगैरह सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से डेमो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डेमो इंस्टॉल करने में या सॉफ्टवेयर चलाने में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल भी किया जा सकता है। तो अब हमने एक कंपनी बना के रखी हुई है, अगर आप नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट न्यू कंपनी में क्लिक करके कंपनी बना लीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसके अंदर जाते हैं हम। यूजर नेम 1 है, पासवर्ड 1 है, लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो गया है। अब हम, जैसा कि जानते हैं कि हम कंपोजिशन डीलर हैं और हम जब इनवॉइस बनाएं तो वहां पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट आप इंस्टॉल करते हैं तो यहां पे ये रेगुलर में जाता है। तो अभी हम जैसे न्यू कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या पहले इफेक्ट आएगा और फिर बाद में क्या कर सेटिंग करने के बाद क्या इफेक्ट आएगा। तो जैसे हमने इनवॉइस बनाया, इंटर किया, यहाँ पे हमने कैश क्रेडिट जो भी लेना है, पार्टी का नाम लेंगे, इंटर करेंगे, इंटर किया और यहाँ पे हमने कोई आइटम लिया। तो देखिए, हमने आइटम लिया एक पीस, यहाँ पे हमने 80 रुपये डाला तो 80 रुपये पे टैक्स जुड़ गया है। बट कंपोजिशन डीलर को कैसा करना होता है कि उसको डायरेक्ट जो भी उसका टैक्स इंक्लूडेड प्राइस होगा वो डालना है। वह अपने बिल में टैक्स डिटेल नहीं दिखा सकता है और ना ही वो टैक्स का डिस्क्रिप्शन और टैक्स अलग से जोड़ सकता है। तो उसमें क्या होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे 84 रुपये डालें या कि 50 रुपये डालें या कि 100 रुपये, जो भी प्राइस हम डालते हैं, तो यहाँ पे फुल फ्लैश उसी रेट पे होना चाहिए। तो देखिए, हम अभी 100 रुपये डाल रहे हैं, हो जा रहा है 105। तो हम चलिए सेटिंग करते हैं इसकी, क्या सेटिंग करनी होगी। हमें जाना होगा सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे। सेटिंग में जाने के बाद हमें जाना है सेल्स टाइप पे। सेल टाइप में जाने के बाद हम यहाँ पे करेंगे सर्च। यहाँ पे हमें पहले से जो इनवॉइस टाइप बनी हुई है सेल्स, वो मिल गई है, हम इस पे डबल क्लिक किया हमने। और यहाँ पे हमें टिक कर देना है कंपोजिशन सेल्स। किस में टिक कर देंगे? कंपोजिशन सेल्स पे। इस पे टिक करने से क्या होगा कि जब आप इनवॉइस बनाएंगे तो आपके उस पे टैक्स अलग से नहीं जुड़ेगा, वही रहेगा प्राइस जो आप उस पे डालेंगे। तो हमने यहाँ पे कंपोजिशन सेल में टिक किया, इसको अपडेट किया और इसको हमने सेव कर दिया। अब हम सॉफ्टवेयर को एक बार पहले बंद करके वापस चालू कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लॉग ऑफ में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हम F5 प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने डेटा रिफ्रेश करना है, F5 प्रेस कर दिया हमने। देन उसके बाद हम इंटर करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, यूजर नेम 1, पासवर्ड 1, लॉग इन किया हमने। और आप देखिए कि अब हम सेल्स बिल बनाते हैं तो हमारा न्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम पार्टी लेंगे, इंटर करेंगे। तो ये हमने क्वांटिटी डाली 1 और अब हम डाल रहे हैं 100 रुपीज़। तो देखिए 100 रुपीज़ ही चार्ज हो रहा, अलग से यहाँ पे कोई टैक्स का चार्ज ऐड नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आपका कंपोजिशन की बिलिंग होती है। यह सॉफ्टवेयर में हिंदी से भी प्रिंट किया जा सकता है, उसका प्रीवियस वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। किसी भी तरह का सेगमेंट हो या उस सेगमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर सेट किया जा सकता है, इसके अंदर सेटिंग है। चाहे आपके किसी तरह के रिटेल, होलसेल या कि ट्रेडिंग का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, इनवॉइस सेलेक्ट किया हमने, प्रीव्यू किया, ये आपका इनवॉइस जनरेट हो गया है। इसकी सेटिंग कैसे करनी है उसका भी वीडियो है। आप यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई लिखना होता है आपको, अगर आप कंपोजिशन डीलर हैं। यहाँ पे टैक्स का कॉलम नहीं रहेगा आपके इसमें और नीचे भी आपकी टैक्स की डिटेल नहीं रहेगी।
इस तरह से आपका फॉर्मेट होना चाहिए। इस तरह से हमारे पास A4, A5 सभी तरह के सेगमेंट के हिसाब से फॉर्मेट अवेलेबल हैं, आप हमसे कॉल करके फॉर्मेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपका बिल प्रिंट हो जाएगा, आप इसमें कोई चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, PDF में या Excel में एक्सपोर्ट करना चाहें उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, WhatsApp भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि एक छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि हम सारी चीज़ें बता पाएं। तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने व्यापारी बंधुओं के साथ इस वीडियो को शेयर करिए जिससे वह अपने बिजनेस में ग्रोथ पा सकें। थैंक यू, धन्यवाद।